ये पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए हैं। मुझे बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूं, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे, उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया है कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा, किसी को चिंता करने की। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है, आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा, और आप खुशहाल हो, देश के बाकी हिस्सों की तरह ये रजौरी और पूंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं के तीन परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मित्रों, इतनी धूम धकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये तीन परिवारों ने अब तक आपसे छीना है, ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, इतना वादा करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।